हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिला, हालांकि आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिली है, एंट्री लेने के मौके मिले हैं, प्रॉफिट बुकिंग के भी मौके मिले हैं, लेकिन जो मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में मिला है वो काफी अच्छा रहा। वहां पे काफी स्ट्रेटजीज ने काम किया। ट्रेडिंग डे हाई का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उससे पहले हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन रही थी, फिर ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली एंट्री बन रही थी, और वहां पे मैंने काफी लॉजिक भी एक्सप्लेन किए हैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,144 की। अब यहाँ पे काफी लोग ये सोचेंगे कि मैंने जो 21st का डे हाई है इसे नहीं लिया, जो ये 17,144 है ये 17 का डे हाई है, मैंने इसे क्यों लिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजों को समझने की कोशिश करो कि एंट्री हमारी, अगर मान लो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चले, क्योंकि 21st की जो डे क्लोजिंग है और जो 21st का डे हाई है ये दोनों काफी नजदीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए 17 का डे हाई। तो इसलिए बेहतर क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस नजदीक है इस रेजिस्टेंस पे देख लो कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिया तभी आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नहीं तो आपको अवॉइड करना है। इस प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, पहले मोमेंटम देखना है। इसलिए मैंने पहले ही 17 का डे हाई ले लिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। नीचे आप देखेंगे, नीचे कौन सा जोन दिखाई दे रहा है, 17,066। यहाँ पे भी आप समझेंगे, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, इस जोन की मार्केट ने एज ए सपोर्ट भी आज रेस्पेक्ट किया और एज ए रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट किया। पीछे आ जाओ, ये हमारा 20 का डे हाई है, कौन सा, 17,066। उससे पीछे चले जाओ, 17 को फोकस करूंगे, यहाँ पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिला, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, फिर से ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 16 को देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 15 को देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 14 को देखो, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया। यानी कि आज मार्केट ने प्रूफ भी कर दिया कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इसकी रेस्पेक्ट करके, और मार्केट ने पहले भी इस लेवल को प्रूफ किया है। तो यानी कि इसका ब्रेकडाउन होना कंपलसरी हो जाता है अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहते हैं। यहां तक चीजें समझ में आए कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां से हमारा नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ गया। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं लेनी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट किसका, 17,144 का, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। वहीं पे मिला अगर आपको इसका ब्रेकडाउन किसका, 17,066 का, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकआउट का, 17,144 का। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। इसका अगर ब्रेकआउट आया तो आपके लिए जो टारगेट बनेगा, ये जो ये 15 का डे हाई है, ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा, यानी कि 17,200 के अराउंड। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे समझ लो, 15 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा है। 14 का देखो, 14 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा है। कल भी हमने इस जोन का डिस्कशन किया था, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है, इस वाले लेवल का हमने डिस्कशन कल भी किया था। इवन 13 को भी जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो यानी कि हमारे लिए यही टारगेट बनेगा। फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अगले मोमेंटम पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है या फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अगली प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे बात करें, अगर आपको फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे कि 17,066 इस वाले जोन को, ये वाला जोन कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझाया। ये है हमारा 20 का डे हाई, ये 20 का डे हाई है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चल के आता है तो यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं।
इस सिचुएशन में 21st का डे लो आपका पहला टारगेट हो जाएगा, इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो 17,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, और जो 17,000 पे मार्केट चला जाएगा आपको एकदम प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि एक तो राउंड लेवल है पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरा मार्केट किस तरीके से आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखाएगा, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो बेहतर है एक प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट होने दो, या तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, ब्रेकडाउन दे दे तब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, या फिर हैमर नजर आया या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आई तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे हम फोकस कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। समझ में आए? अब यहाँ पे हम एक और डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कर देंगे कि गैप अप ओपनिंग किस जोन पे मिल रही है। पहली कंडीशन, आपको 17,200 से नीचे और 17,144 यानी कि 17 के डे हाई से ऊपर, इस जोन में कहीं गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। लेकिन कब? फोकस करो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं। मान के चलो 17,144 के नजदीक है मार्केट, अगर यहां से बुलिश कैंडल दिखाई तो 17,200 हमारा टारगेट रहेगा, फिर हम 17,200 के प्राइस एक्शन पे इंतजार करेंगे। अगर मार्केट 17,200 के पास ओपन होता है तो हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे, पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहां से बेयरिश कैंडल दिखाई दी तो 17 के डे हाई तक हम यहाँ पे टारगेट भी लेके चल सकते हैं। सिचुएशन समझ में? अब एक और मैं यहाँ पे केस डिस्कस करता हूँ, 17,144 के नजदीक मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे आता है तो आपको सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग आपको तब तक नहीं करनी है जब तक कि 21st के डे क्लोजिंग के मार्केट नीचे नहीं निकल जाता, तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 17,066, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 21st का डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 17,000 आपका अगला टारगेट रहने वाला है। सिचुएशन क्लियर होगी? अब मान के चलो आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में हम अपना पूरा फोकस 17,066 पे लगा देंगे, अगर मार्केट इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है और यहां से हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो हम डे हाई को लेके 21st के डे हाई को लेके टारगेट रख सकते हैं। इसका ब्रेकआउट आया तो 17,144, इसका ब्रेकआउट आया तो 17,200। लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपन होके 17,066 के आसपास गैप डाउन ओपन होके नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो हम नीचे की तरफ टारगेट लेके चलेंगे। 21st का डे लो पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 17,000 पे देखेंगे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी पोजिशंस लेंगे। इस प्राइजेक्शन का डिस्कशन मैंने वहां पे किया है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट में किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। यहां तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों? अब मैं आपको सीधा बताता हूं यहां पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,198 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,254 पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,315 पे नजर आ रहा है, वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,051 पे नजर आ रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,961 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,869 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।